हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस लेंस डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आप बहुत सारे जब आप स्पीकिंग करते हो, जब आप राइटिंग करते हो, तो बहुत सारे वो कैब आपके दिमाग में नहीं आते हैं, बहुत सारे वर्ड्स दिमाग से उड़ जाते हैं। हम लोग हिंदी में बहुत सोच पाते हैं, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक ये हो सके, जब तक करूँ, कब तक करता रहूँ, जब तक सरकार ना चाहे, जब तक तुम ना चाहो, तब तक मैं, तो बहुत सारे सेंटेंस हम लोग सोच तो पाते हैं बट उसे बोल नहीं पाते। उस सेंटेंस को मैं आपको आज बहुत सारे वोकैबुलरी मैं दे रहा हूँ जिसमें आप सेंटेंस बनवा दूंगा, एक एक वर्क एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम लोग। तो हर तरह के वो कैब जब आपके पास होगा ना, तो आप बेहतर फील करोगे। उस वो कैब को मैं आपको दे रहा हूं, एक एक वो कैब यहां पे लिखा हुआ आपको मैं दे रहा हूं। तो चलिए देखते हैं एक एक वोकैबुलरी आज अभी और अभी से याद करते हैं। देखिए पहला शब्द है जहां तक हो सके, एज फॉर एज पॉसिबल, जहां तक हो सके, एज फॉर एज पॉसिबल। चलिए बोलते हैं जहां तक हो सके मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जहां तक हो सके वो मेरा साथ देगा। तो जहां तक हो सके, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे याद है, एज फार एज आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है, एज फार एज आई रिमेंबर, जहां तक, अप टू द प्लेस वेयर, जहां तक मैं जानता हूं, अप टू द प्लेस, जिधर वेयर, जिधर तुम जाओगे उधर मैं मिलूंगा। तो जिधर वेयर, इधर हेयर, इधर आ जाओ, ही कम हेयर, पैदल जाता हूं, आई गो ऑन फुट, तो पैदल जाऊंगा, आई विल गो ऑन फुट। तो पैदल का अंग्रेजी क्या हो गया, ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब पैदल, तो पैदल मतलब ऑन फुट। हमने कहा जहां तक मुझे मालूम है, एज फॉर एज आई नो, जहां तक मुझे मालूम है, ऐसी बात नहीं बोलते हैं हम लोग, तो जहां तक मुझे मालूम है, एज फॉर एज आई नो, एज फॉर एज आई नो, जहां तक मुझे मालूम है, वहां तक, अब वहां तक क्या बोलेंगे, अप टू दैट प्लेस, वहां तक, अप टू दैट प्लेस, उधर देयर, जिधर वेयर, उधर देयर, कहां से कहां तक, फ्रॉम वेयर टू, फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक, फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक, फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक, कौन कौन, हु, अब हु का मतलब कौन कौन भी होता है, हु का मतलब कौन भी होता है, तो ये ध्यान देना, हम लोग तक कौन रहता है, हु लिव्स हियर, यहाँ कौन रहता है, हु लिव्स हियर, यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, हु लिव हियर, तो कौन मतलब हु, अगर हमको बोलना है कौन कौन तो हु, जहां जहां वेयर एवर, कहां कहां वेयर एवर, वहां वहां वेयर एवर, तो सबके लिए हम लोग अंग्रेजी एक ही बनाते हैं, चाहे कहां कहां बोलना हो, चाहे जहां जहां बोलना हो, चाहे वहां वहां बोलना हो, सबके लिए हम लोग वेयर एवर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बोले जहां से तो फ्रॉम वेयर, वहां से फ्रॉम देयर, तो कहां जहां वहां से कहाँ जहाँ से, तो जिस तरह से आप बोलना चाहो वह आप बोल सकते हो। जहाँ तक एज फॉर एज, जहाँ तक मैं जानता हूँ एज फॉर एज आई नो, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मैं सेंटेंस बोला जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक सिनेमा घर है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक सिनेमा घर है, वेयर आई लिव देयर इज अ सिनेमा हाउस, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक सिनेमा घर है, वेयर आई लिव देयर इज अ सिनेमा हाउस, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक घर है, वेयर आई लिव देयर इज सिनेमा हाउस, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं अमित रहता है, वेयर आई लिव देयर ओनली लिव्स अमित, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं अमित रहता है, वेयर आई लिव देयर ओनली लिव्स अमित। इस तरह से आप जितने सेंटेंस चाहें आप बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं। देखा आपने, ये सारे वोकैब आप याद करिए और याद करके आपके लिए काम आएगा। तो जब आप वोकैब देखते हो ना, तो एक एक वोकैब से बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो ये टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे, ये टोटल स्पोकन वर्ड्स है, ये जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा काम आएगा, और जितना जल्दी हो सकता है आप लिख करके याद कर लो, इसे लिख लो, बच्चों को शेयर कर लो, और आपस में दिन भर बात करो। जब बात करोगे तो अंग्रेजी आपका आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।